छुट्टी पर आया अग्निवीर बन गया डकैत, दोस्त के साथ मिलकर बनाया गैंग। पंजाब के मोहाली में एक अग्निवीर जवान को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वो इन दिनों छुट्टी पर घर आया हुआ था। पुलिस ने उसके साथ दो और लोगों को कार लूटने के आरोप में पकड़ा है। उसका कहना है कि इन लोगों ने यूपी से हथियार खरीदे, फिर मोहाली में लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया। हाल ही में इन्होंने मोहाली में गन पॉइंट पर एक कार लूटी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोहाली पुलिस ने 24 जुलाई को छप्पर चीड़ी के पास हुई कार जैकिंग चुनौती के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। पता चला इनमें से एक आरोपी इश्मत सिंह उर्फ ईशु भारतीय सेना का अग्निवीर जवान है। वो साल 2022 में सेना में भर्ती हुआ था। गिरोह में उसका भाई प्रभप्रीत सिंह उर्फ प्रब और दोस्त बलकरण सिंह भी शामिल है। बलकरण एक टैक्सी सर्विस के लिए काम करता है। आरोप है कि बीती 22 जुलाई को इन लोगों ने यात्री बनकर एक कैब ड्राइवर को लूट लिया था। तीनों आरोपियों की उम्र 18 से 22 साल के बीच है और वो फाजिलका के रहने वाले हैं। उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की गई कैब बरामद कर ली है, जिस पर आरोपियों ने फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। पुलिस को उनके कब्जे से एक चोरी की गई मोटरसाइकिल, एक स्कूटर, दो फोन और 0.315 वोल्ट की एक देसी पिस्टल और तीन जिंदा कारतूस मिले। एक जांच अधिकारी ने खुलासा किया कि ईशु 2022 में सेना में भर्ती होने के बाद पश्चिम बंगाल में पोस्टर था। वो मई में एक महीने की छुट्टी पर घर आया हुआ था, लेकिन कम वेतन के कारण वो वापस नहीं लौटा। अधिकारी ने बताया कि वो यानी ईशु अपने परिवार से दूर रह रहा था। उसे 20,000 का मामूली वेतन मिल रहा था और वो अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था, इसीलिए सेना में वापस नहीं लौटना चाहता था। ऐसा लगता है कि उसने अपराध करने का मन बना लिया था, क्योंकि वो एक हथियार खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के कानपुर गया था, जिसका इस्तेमाल उसने कार की चोरी में किया। अधिकारी ने आगे बताया, ईशु एक शूटर है। जब कैब ड्राइवर को उसकी गाड़ी से धक्का देकर उतार दिया गया था, तब उसने पैदल ही आरोपियों का पीछा करने की कोशिश की। इस दौरान ईशु ने कैब ड्राइवर पर गोली चलाई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपराधियों ने शातिर अंदाज में गाड़ी की चुनौती की घटना को अंजाम दिया था। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया, आरोपियों ने लुधियाना रेलवे स्टेशन से एक मोबाइल फोन चोरी किया था, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने टैक्सी सर्विस ऐप से कैब बुक की और बाद में इस फोन को फेंक दिया। गाड़ी को चुराने के बाद आरोपियों ने उसे कुराली में एक सुनसान जगह पर पार्क कर दिया, जिसके बाद आरोपी बलौंगी में अपनी पेइंग गेस्ट रेजिडेंट पर लौट गए। अगले दिन वे देर शाम उस जगह पर लौटे जहां कैब को पार्क किया था। उन्होंने कैब लिया और फाजिलका की तरफ चल दिए। इसी दौरान आरोपी मोहाली पुलिस के जाल में फंस गए। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने अपराधियों को मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी की मदद से पकड़ा है। अपराध में एक अग्निवीर के शामिल होने के खुलासे के बाद मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष संदीप गर्ग अब सेना को पत्र लिखकर इश्मीत सिंह के बारे में सूचित करेंगे। तीनों अपराधियों के भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 मौत या चोट पहुंचाने के बाद चोरी, 308 जबरन वसूली, 112 मानव जीवन को खतरे में डालना। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 307 मौत या चोट पहुंचाने के बाद चोरी, 308 जबरन वसूली, 125 मानव जीवन को खतरे में डालना, 612 आपराधिक मामला और आस्म एक्ट के तहत बलौंगी थाने में केस दर्ज किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।